सोलन में कर्फ्यू की ढील को लेकर उपायुक्त सोलन ने जानकारी देते हुए बताया कि कर्फ्यू में कुछ क्षेत्रों को ही ढील दी जा रही है, जिसमें केवल ग्रामीण क्षेत्र शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शराब, रेस्टोरेंट, जिम और सैलून की दुकानें बंद रहेंगी और इसके अलावा सभी दुकानें केवल ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगी, लेकिन दुकानों के खुलने का समय 8 से 12 बजे तक रहेगा और ये आदेश आज यानी कि सोमवार से जारी हो चुके हैं। शहर की स्थिति जैसे थी वैसे ही रहेगी, लेकिन जो सुबह सैर करने जाते हैं उन्हें सैर करने का समय दिया गया है। अनुमति प्राप्त लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर जरूरी काम हो तो जिला के अंदर ही जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया जा रहा है और उसी के तहत पहले ग्रामीण क्षेत्रों को ढील दी जा रही है। अगर स्थिति नियंत्रण में रहती है तो वे ढील बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे। As per the guidelines of the Government of India, NHA और प्रदेश सरकार के डायरेक्शन के अनुरूप जो दुकानें हैं हम सोमवार से इसको हम अधिसूचना जारी कर रहे हैं। ये दुकानें होंगी जो ग्रामीण क्षेत्रों में ये दुकानें खुली रहेगी और शहरी क्षेत्रों में केवल वही दुकानें जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं जो अलग से हैं या किसी एक अपने कॉलोनीज में है, एक हैबिटेशंस में है, वो दुकानें जो स्टैंड अलोन है वो खुली रहेगी। बाकी शहर में वही दुकानें खुली रहेगी जो पहले से एसोसिएशन कमोडिटीज़ की खुली रही है वही खुली रहेगी और ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानें खुली रहेगी। अभी शहरी क्षेत्र में अभी हमारा कर्फ्यू की ढील जो सोमवार से लागू होगी 8 से 12 बजे तक 4 घंटे रहेगी और जो इसी दौरान ये दुकानें भी खुली रहेगी। जैसे कि मेरा पहले ही मैं एडवाइजरी इशू की है कि कोई भी आदमी बिना मास्क के बिना इसके बाहर नहीं आएगा है। इसके अतिरिक्त और यह है कि कल सवेरे से हमने एक और प्रावधान किया कि सवेरे 5:30 से लेकर 7 बजे रिलैक्सेशन दे दी है सभी को मॉर्निंग आवर्स में मॉर्निंग वॉक के लिए जी। ये जो लोग काफ़ी समय से घरों में थे उनके लिए मॉर्निंग आवर्स में छूट दी गई है 5:30 से 7 बजे तक की छूट रहेगी। यह कि अगर 4 घंटे की छूट के अंदर वो कम्यूट करना चाहे बहुत नेसेसरी फालतू में घूमें नहीं वो कम्यूट कर सकते हैं और अपने संबंधित SDM से पास ले लें और ये हो जाए। ग्रामीण क्षेत्र जो कहेंगे हम आउटसाइड MC एरिया वो सब ग्रामीण क्षेत्र कहलाएगा। सर कौन सी दुकानें जो है बिल्कुल अभी भी खुली नहीं रहेंगी इवन ग्रामीण क्षेत्रों में? ग्रामीण क्षेत्रों में लिकर शॉप्स जी को बिल्कुल बंद रहेगी जी और बाकी सभी शॉप्स जो है वो खुले रहे। जो बार्बर शॉप्स हैं बार्बर शॉप्स बंद रहेगी। बार्बर शॉप्स में सैलून हैं, होटल, रेस्टोरेंट वगैरह ये सिर्फ ढाबे खुले रहेंगे जो ऑलरेडी नोटिफाइड है। अभी ऑटोमोबाइल शोरूम नहीं खुले, नहीं जो हमने ऑलरेडी नोटिफाइड है ट्रक की रिपेयर शॉप्स हैं ऑलरेडी हाईवे पे है और ऑलरेडी इसको हमने पहले खोल दिया गया था जी। और हमारे एडजॉइनिंग स्टेट से बहुत सारे लोग पास से अंदर एंटर हो रहे हैं जी। हमने बॉर्डर में एक बहुत अच्छी व्यवस्था की है, उनकी स्क्रीनिंग होगी जी। ये सुनिश्चित किया गया कि जो भी आदमी अब प्रदेश में एंटर होगा जो इंटर स्टेट बॉर्डर से हम बॉर्डर में ये सुनिश्चित करेंगे वो आरोग्य सेतु जो ऐप है वो डाउनलोड होगी जी। जिसके पास नहीं है, है तो वहाँ पे बैठ के डाउनलोड होगा, स्कैनर होगा, उसका पूरा डाटा दिया जाएगा और ये सारा डाटा हमने क्या कि नेक्स्ट डे 24 घंटे के अंदर नेक्स्ट डे संबंधित CMO जो 12 जिले के जहाँ जहाँ के आदमी अंदर आए हैं उनको मॉनिटरिंग के लिए दिया जाएगा। ये SPs को कंसर्न हुए उनको दिया जाएगा।